अंकित, कुछ अपडेट्स और आ रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक तो कोई अपडेट जो है वो नहीं आया है, लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें और निकल के सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है वो हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरीके से जांच जो है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जांच जो है वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन के अंदर होने वाली है। हाई लेवल जो इंडियन एयरफोर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी जल्द जम्मू पहुँचने वाली है। अंकित, NIA की टीम भी आ सकती है, ये भी बता रहे हैं सोर्सेज। देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि NIA की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेगी, पूरे मामले की जांच करेगी और एक एक चीज़ को यहाँ पर परखा जाएगा कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट जो है वो किस तरीके से हुआ। लेकिन इन सब के बीच लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है, ये ज़रूर है कि आज जम्मू के इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है वो हुआ था। दो ब्लास्ट हुए थे बैक टू बैक। जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, मौके पर पूरी तरीके से बम डिस्पोजल स्क्वाड से लेकर हर एक यूनिट। अंकित, एक चीज बताइए, देखिए क्योंकि अभी जो आप सोर्सेज के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं, ये इस पूरे मामले को बड़ा बना रही हैं। वहां पर आपने सुबह दिखाया था कि कैसे अब सेना की टीम भी पहुंची थी, वहां पर आपने दिखाया था कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर हैंगर के पास नो फ्लाइंग जोन में ये ब्लास्ट हुआ है, ये इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक इस बारे में जो सोर्सेज है उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ताकि यहाँ पर एक और ख़ास बात गौरव ये कि अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म जो है वो नहीं किया गया है। जितनी भी खबरें आ रही है वो सोर्सेज के हवाले से आ रही है, लेकिन गनीमत ये रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है या फिर कुछ बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ है, टल चुका है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर की जा रही है गौरव। ठीक है, और ये ड्रोन्स की खबर भी अंकित, वही सोर्सेज बता रहे हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, फिलहाल सोर्सेज के हवाले से एक खबर है, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। ये साफ कर दूं गौरव कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जम्मू डिफेंस की तरफ से, PRO की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन ड्रोन्स को लेकर नहीं दिया गया है। सिर्फ सोर्सेज के हवाले से अभी तक जो खबर है वो निकल कर सामने आई है गौरव। ठीक है, तो देखिए शिवाज, हम यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के, हाँ अंकित बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। ये टेक्निकल, देखिए एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं गौरव कि जहां पर ये टेक्निकल एयरपोर्ट है इससे तकरीबन, अगर किलोमीटर, अगर रोड साइड की बात की जाए, तकरीबन 25-30 से या फिर 35 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर एरियल डिस्टेंस की बात की जाए बहुत कम दूरी हो जाती है। अगर ड्रोन का एंगल निकल कर सामने आता है तो जरूर चिंता का विषय जरूर बनता है। अंकित, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप लगातार काफ़ी दिनों से जम्मू में रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसे आपने बहुत सारी खबरें आप वहाँ से ब्रेक करते हैं, हमने देखा है पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन्स के जरिए हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान करता रहा है। वहाँ पर कई बार जो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो उन ड्रोन्स को मार गिराती हैं, तो उसमें पाकिस्तान का सामान दिखता है, पाकिस्तान की पहचान उन सामान पर दिखती है। क्या जम्मू में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट दिखे हैं पिछले कुछ दिनों में? देखिए, अगर मैं पिछले बीते एक साल की बात करूं तो कई बार ऐसे इंसिडेंट जो है वो हुए हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों की तरफ से ड्रोन की मदद से आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश जो है वो ज़रूर की थी, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल है उन्होंने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि हर एक आतंकी जो साजिश है उसको विफल किया जाए। हाल ही में भी आपने देखा कि BSF की तरफ से किस तरीके से आर्म्स एंड एमिनेशन जो है वो रिकवर किया गया, कुछ टाइम पहले ही ड्रग्स जो है वो रिकवर की गई, एक बड़ी खेप ड्रग्स की रिकवर की गई। जितने भी इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू से हो, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी, अब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार जो है वो पहुँचाए जा सके। लेकिन एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा है तो उसके लिए इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है कि खुद रक्षा मंत्री आज लेह पहुंच रहे हैं, लद्दाख पहुंच रहे हैं और वो वहां पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे। मैं सुमित से इस बारे में जानकारी ले लेता हूं। सुमित, 10:30 बजे का समय बताया गया था कि लेह पहुंच जाएंगे रक्षा मंत्री, 10:30 बज चुके हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं और फिर यहां से उनका क्या कार्यक्रम है, जरा बताइए।
देखिए अब से कुछ ही देर में गौरव यहाँ पर वो लैंड करने वाले, मेरे पीछे देख रहे हो तो ये टेक्निकल एयरपोर्ट है यहाँ का या जो ले का, और यहीं पर थोड़ी देर में वो लैंड करने वाले हैं। इसके बाद वो सीधे यहाँ से सबसे पहले वो 14 कोर जाएंगे जहाँ पर उनको ब्रीफ किया जाएगा। उनके साथ खुद आर्मी चीफ होंगे, CDS होंगे, BRO DG होंगे और उनको ब्रीफिंग के अंदर BRO की तरफ से जो काम किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के उसका ब्रीफ किया जाएगा। मोटे तौर पर पिछले एक सालों में जो जो चीज़ें हुई हैं और जो जो किया जाना है इसके बारे में रक्षा मंत्री के सामने पूरा खाका रखा जाएगा। उसके बाद होगा कि वो जवानों से वहां मिलेंगे, कई ऑफिसर से मिलेंगे, डेलीगेशन से बात करेंगे और उसके बाद शाम तक माना जा रहा है कि वो आज इन सभी मुलाकातों के बाद कल जो ब्रिज है जिसका इनॉग्रेशन करना है कल वो वहां पर जाएंगे और वहीं के बाद वो आगे फॉरवर्ड लोकेशन पे भी जाएंगे और मंगलवार को उनको वापस आना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।